कोलकाता में 9 अगस्त को डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर कोलकाता में डॉक्टर की छात्रा के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में देश भर में आक्रोश है। तो वहीं दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इनर व्हील क्लब दिल्ली ग्रैंड की तरफ से ये पूरा कैंडल मार्च निकाला गया। जो डिस्ट्रिक्ट 301 की प्रेजिडेंट हैं सविता सोनी, उनके नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कैंडल मार्च निकाला गया और महिलाओं ने ब्लैक कपड़े पहनकर ये कैंडल मार्च निकाला। खुद जो इनर व्हील क्लब दिल्ली ग्रैंड की प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट 301 की सविता सोनी, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सरकार पर सवाल उठाए हैं वो आप सुनिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब तक जो लड़कियों के साथ होता आ रहा है, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, कभी पेड़ पे लटका दिया जाता है, कभी जिंदा जला दिया जाता है, कभी पूरी आतड़ियाँ ही बाहर निकाल दी जाती है। तो एक औरत के साथ जो ये दुर्व्यवहार, जो दुर्दशा की जा रही है वो बहुत ही दर्दनाक है, और उसके हम लोग स्ट्रांगली उसके लिए हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी ये दर्दनाक हादसा किया है उसको सड़क पे खड़े होकर जलाया जाना चाहिए, उसको भी उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाए जो व्यवहार लड़कियों के साथ, जो व्यवहार औरतों के साथ किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, वो बार बार ना हो और इसको यहीं पर स्टॉप होना चाहिए। ये कैंडल मार्च हमने आज यहाँ से सर्वेश्वर मंदिर से नेल्सन मंडेला रोड तक किया है, आगे जो हमारे मॉल्स हैं वहाँ तक हमने थाने को क्रॉस करके वहाँ से आगे तक लेकर गए हम लोग। और हमारे सरकार के साथ हमारा बहुत विनम्र निवेदन है, अभी इसलिए हमने शांतिपूर्व मार्च निकाला है कि जिसने भी ये काम किया है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो ये बार बार दुर्दशा औरतों की हो रही है वो दोबारा हम देखना नहीं चाहते, हम उसको सहन अब नहीं कर पाएंगे। मेरा ये निवेदन है सरकार से कि जो भी ये इसके लिए एक्शन ले सकते हैं उसको सजा दिलाने के लिए वो दिया जाए, क्योंकि हम सभी लोग एक माँ हैं और सबकी बेटियों की, सबकी बेटियाँ, वो जो गई है वो भी किसी की बेटी है, हम सबके आगे बेटियाँ हैं, तो उसके लिए आप ये दरिंदे हैं इनको हवालात की सजा देनी चाहिए। जितनी भी हैं सभी माँ हैं, जितनी महिलाएं जी, हम सभी एक माँ हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम सबके बच्चे भी वही बच्चे हैं जिसके साथ आज ये दशा हुई है। इतना पढ़ने के बाद में बेटी के साथ ये किया गया है, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई उसे। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कानून बना जाना चाहिए, यही कहूँगी स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए, ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हर बात तभी तो हिम्मत बढ़ती है आगे। आज सभी लोग, आप लोग ब्लैक ड्रेस पे है, क्या नहीं मानती कि काला दिन हुआ जिस तरीके से पूरी घटना हुई? हाँ जी, ये ब्लैक डे हमने इसीलिए मनाया है, जो हमारी डॉक्टर बेटी है उसी के लिए, उसके लिए ये शोक मनाया जा रहा है, जिस तरह से निमन तरीके से उसकी हत्या की गई है, और ये हम सब लोग उसके ही साथ हैं, ये दिखाने के लिए हमने काले कपड़े पहने हैं आज। और मेरा एक मैसेज है आजकल के पेरेंट्स के लिए, वो अपने बेटों को कुछ ऐसा मैसेज दें, कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग दें कि जो दूसरी अपनी माँ बेटी जो है उनके अलावा जो बाहर औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भी अपनी ही बेटियाँ और बहनों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाए, तो शायद इस तरह की घटनाएं कम होंगी। मैम, आज जिस तरीके से आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और लगातार चाहे दिल्ली में देखा जाए निर्भया कांड हो, चाहे भी कोलकाता की बात करी जाए, हर बार महिलाएं असुरक्षित क्यों होती है, ऐसा क्यों है? अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बन पाया, क्या इस वजह से ऐसी समस्या आती है?
बिल्कुल, एक तो ठोस कानून नहीं बना है, वो तो है ही, क्योंकि जिस तरह के ये केसेस हैं और जब आपके पास विक्टिम आपके नोट आपको पता चल जाता है, उसके बाद भी कैपिटल पनिशमेंट के बजाय हम उनके ट्रायल्स चलाते रहते हैं, अपील चलाते रहते हैं। अपील की उनको गुंजाइश ही क्यों देनी है, ट्रायल की हमें उन्हें गुंजाइश ही क्यों देनी, हम तो ये कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि हमें अपने बेटों को समझाना है, उसके साथ साथ हमारी बेटियों को भी हमें ये समझाना है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है सर फोड़ के आ जाना, आगे हम देख लेंगे। ये एक निवेदन है कि अब जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो उनको इतनी कड़ी सजा दिया जाए पब्लिकली, मतलब शूट एंड साइट की उनको इतनी ज़्यादा कि अगले लोग जो करते हुए वो डरें, 100 बार सोचेंगे। हाँ। क्योंकि सबको पता है कि हमारे कानून में इतने लूप हॉल्स हैं कि वो कहीं ना कहीं से बच जाते हैं। तो ये जो सिलेबस है, स्कूल है, कॉलेज है, जब पीटी है, परेड है, उसकी जगह सेल्फ डिफेंस को जो है वो मैंडेटरी बना देना चाहिए हर स्कूल में, जब बच्चियों को शुरू से एटलीस्ट वो थोड़ा तो डिफेंड कर पाएंगी अपने को। शायद लड़कियों को कमज़ोर सोच के ही होता है, वैसे भी कमज़ोर नहीं होती है, तभी तो 10-10 12-12 लोग ऐसा करते हैं मिलके।